यह है दूध, और दूध जो है वो गर्म हो चुका है। दूध को का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है और विटामिनों से भरपूर होता है। कमजोरी दूर करने के लिए इस दूध को ही रिकमेंड करते हैं सभी लोग, और इसको पीना भी चाहिए, पीने से ताकत भी आती है। मैं गिलास देख लेता हूँ, गिलास कहाँ है, और ये रहा गिलास। इसका हम यूज़ करते हैं जब हम इसको लेते हैं। कैसे लेते हैं आइए दिखाते हैं। ये रखा गिलास और ये पकड़ है, इसको पकड़ से इसको ऐसे उठा लेते हैं, और उठा करके ऐसे गिलास में डालते हैं, जितना ज़रूरत हो उतना ले लेते हैं। मेरा तो मन इतना ही कर रहा है, गिलास काफ़ी बड़ा है, इसको इधर रख लेते हैं। और अब इसमें अपनी जो है इच्छा अनुसार शुगर यानी कि चीनी, ये रही, और एक डिब्बा और था, ये रहा वो। इसको चीनी का डिब्बा खोल लेते हैं, ठंड हो रही है ना, इसलिए हीटर के पास बैठने में आनंद आता है। और ये शुगर ले ली और इसको हमने इसमें डाल दिया, स्वादानुसार डाल लेते हैं, तोलने की ज़रूरत होती नहीं है। और अब इसको हिला लेते हैं ऐसे, नहीं तो दूसरे गिलास का यूज़ करते हैं। और वो ये रहा, इसको वॉश करते हैं, ये रहा वॉश, और ऐसे वॉश करके अब इसको ग्लास में डालते हैं ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस ताकि इसके जो अंदर शुगर हमने मिक्स की है, डाली है, और वो मिल जाए। और इस तरीके से ये चीनी इसमें मिलती हुई, जितनी जल्दी आप चाहें जल्दी कर सकते हैं। और ये मिक्स होती हुई, अब थोड़ा गर्म ज़्यादा है तो थोड़ा ले लेते हैं और ऐसे ठंडा करते हैं, और अब इसका स्वाद लेते हैं। भाई वाह, जैसा हमने सोचा था मिक्स हुआ है शुगर, वो सही हुई है, टेस्ट अच्छा आ रहा है। भाई वाह, आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और जब भी कभी मिल्क मिले तो उसे पी करके अपनी सेहत बनाइए। सेहत है तो जहान है, जहान है तो जान है,
जान है तो सम्मान है, सम्मान है तो मान है। तो दूध में कितनी जान है और कितनी मान है भाई।